अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, दोस्तों उसके लिए कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बेकार में कुछ नहीं करना पड़ता है, बेफालतू में एजेंट के पास जाते हैं और उनको पैसा देते हैं और उनके ज़रिए अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ज़रिया बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए बहुत आसानी से आप खुद पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में टाइप करना पड़ेगा अप्लाई फॉर पैन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर पैन कार्ड हम लिखेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट आएगा, हम इस वेबसाइट पे जाएंगे tin.tinnsdl.com, जो मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ एक ऊपर ऑप्शन आया है न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन, ठीक है। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर एक नया नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ पे हम नीचे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे हमें दिखा रहा है अप्लाई फॉर ए न्यू पैन कार्ड और कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। हम इसको कैटेगरी में देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी में हमें दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी ऑफ यानी कि हर तरह के कोई लोग होते हैं जो कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं। एक्चुअली में पैन कार्ड है क्या, वो तो टैक्स के लिए होता है ना, तो हम तो इंडिविजुअल हैं, हम अकेला हैं तो हम खुद के लिए बना रहे, तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, ठीक है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सर्च करेंगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये हमारा पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें हम अपना डिटेल देंगे। सबसे नीचे आते हैं, ये देखिए मैंने पहले से एक फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, जहां पे ये देखिए मेन चीज यहां पे देखने का ये है एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर। ये आप कैसे पाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट नेम सरनेम में इकबाल लिखा है अपना। अगर आप मिस्टर हैं, श्री है, श्रीमती हैं, कुमारी है, कुछ भी, आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और नाम दीजिए, फर्स्ट नेम दीजिए, अपना लास्ट नेम दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है, फादर नेम दीजिए। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं थोड़ा, तो तीन नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नो बाय अदर नेम, आप कभी भी दूसरे नाम से जाने जाते थे, तो यहाँ पे देखिए पहले से नो सेलेक्ट है, ठीक है, नो आप कर दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इन एप इन कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है, देखिए फर्स्ट छः नंबर पे फादर नेम है देने के लिए। उसके बाद सात नंबर पे आपका एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, और लेकिन हम इस साइड आते हैं तो देखते हैं ऑफिस का एड्रेस है, लेकिन ऑफिस का एड्रेस देने का ज़रूरत नहीं है, वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। आठ नंबर पे आते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आपके को कॉन्टेक्ट किस जरिए से किया जाए, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिस तरीके से मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए मेरा सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, KMC 35 1B मोमिनपुर, मतलब ये मेरा एड्रेस है, पिन कोड है, जिप कोड है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे आते हैं तो ये देखिए मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि ईमेल आईडी मांग रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज है, आप भी इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। और फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे 12 नंबर पे हम देखते हैं, 12 नंबर पे आधार नंबर मांग रहा है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो वो दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। लेकिन 13 नंबर पे फिर हम आते हैं 12 से, तो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे दिखा रहे, आर यू ए सैलरीड एम्प्लॉय, क्या आप कमाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कुछ और है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सी पे जो है इफ यू आर नॉट कवर बाई, और अब इनडायरेक्ट मैंने इस पे क्लिक किया है तो मैंने, मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए थे चुनने के लिए, जिसमें मैंने चुना है नो इनकम, क्योंकि मैं अभी कुछ करता नहीं हूँ और मैं सैलरी नहीं कर कमाता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, नो इनकम, मेरे पास कुछ इनकम नहीं आता है। 14 नंबर पे आता है फुल नेम, तो फुल नेम में आप अपना देखिए, यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंट एसेस, इसको ये अपने आप नो है, इसको नो ही रहने दीजिए।
आई हैव इन क्लोज कॉपी ऑफ पासपोर्ट, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिटी में आपकी क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कॉपी ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन, 16 नंबर पे आते हैं कि यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ दे रहा है, तो मैं अपना नाम दे दिया और प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे कि आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हैं चाहे बैंगलोर से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जगह का नाम देंगे और यहाँ देखिए डेट दिया हुआ है, डेट देंगे। डेट देने के बाद में फिर अब अभी हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में सबसे मेन चीज़ देखिए यहाँ पे है, आप सारा डिटेल दे देने के बाद में यहाँ 107 रुपये जो मांग रहा है, जो कि पैन कार्ड अप्लाई करने का चार्ज है, ठीक है। तो इसको हम पेमेंट कैसे करें, पेमेंट इसको हम करेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट करके हम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के जरिए हम अपना कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन नेट बैंकिंग है। तो मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे अब एक सबमिट का ऑप्शन है, सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद में एक सबमिट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सारा का सारा चीज तो ओके है, कहीं पर भी रेड नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये रेड नहीं है, ये एक ऑफिस एड्रेस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज ओके है मेरा। देखिए कहीं पर भी रेड नहीं दिखा रहा है, मैं आपको जूम भी करके दिखा लूं, लेकिन रेड कहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि एरर है, ये देखिए ऊपर में एरर दिखा रहा है, बोल रहे कि प्लीज इंटर एरिया कोड, प्लीज इंटर एओ टाइप, प्लीज इंटर रेंज कोड, प्लीज इंटर एओ नंबर। तो पैन कार्ड के लिए तो हम ये क्या चीजें हमें मालूम ही नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए हम गूगल में चलते हैं। हम चलते हैं गूगल में और गूगल में टाइप करते हैं नो योर पैन कार्ड एओ कोड। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मैंने गूगल में क्या लिखा है, नो योर पैन कार्ड एओ कोड, ठीक है। लेकिन उसके बाद टाइप करने के बाद में हम इसको सर्च कर देते हैं, सर्च करने के बाद में ये देखिए हमारे पास वही वेबसाइट आ जाएगा, एओ कोड tin.tin.nsdl.com टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हम इस पे तो हमारे सामने पेज ओपन होगा, ये देखिए बहुत सारे कोड है, लेकिन नीचे आएंगे यहाँ पे एबीसीडी दिया हुआ है, इस एबीसीडी में से मतलब कि जैसे कि मेरा, मैं कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता से अप्लाई कर रहा हूँ तो के सिलेक्ट करूंगा, अगर आप मुंबई से हैं तो आप एम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं के सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। के सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अब मेरे कोलकाता में कितने सारे इसके ब्रांचेस है वो खुल गए, तो मैं कोलकाता यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपना, क्योंकि कैसे कोलकाता होता है, ठीक है। कोलकाता मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से, कोलकाता सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए ये सारा कोड हमारे पास दिखा रहा है, और देखिए मैंने जो बताया था आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सारा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम राइट साइड में आते हैं ये सबका अलग अलग है, सर्कल कोलकाता, डीसी सर्कल कोलकाता, सर्कल कोलकाता, तो इसमें से आप चुन लीजिए कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी आप अपना चुन लीजिए कि आपका किस सर्कल में आ रहा है, कौन सा सर्कल है आपका, ठीक है, वही सर्कल के हिसाब से। ये देखिए सब चेंज है यहाँ पे, एरिया कोड जो आप देख रहे हैं ये सब का अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर लगाकर आप सबमिट पे कोई भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपका पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ऊपर में आर्मी है, एयरफोर्स है, ये तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप नहीं है तो, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, हेल्प की है, उससे उनको भी फायदा पहुंचे। दोस्तों आने वाली मेरी वीडियोज में मैं अब बहुत कुछ बताता रहता हूँ, प्लीज 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 मेरे चैनल को